साथियों, आज का टॉपिक है लीवर स्पॉट्स। लीवर स्पॉट्स कहें तो ये लीवर से संबंधित बीमारी है, यानी कि लीवर में कोई दिक्कत आती है तो ये सिम्टम दिखने लगते हैं, जिसको कि आप सभी लोगों को जानना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए। तो साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो लीवर स्पॉट्स होता है, यह जो है कि त्वचा पर होने वाले कहें तो गहरे निशान होते हैं, यानी कि जो त्वचा होती है त्वचा पर धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे कि आपको समझना चाहिए कि ये लीवर की समस्या है। हालांकि ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लीवर की वजह से हो रहा है। तो साथियों, लीवर बहुत अहम रोल निभाता है, और ये अगर परेशान होता है या फिर उसमें कमजोरी आती है तो आपके स्किन या फिर कहें तो चमड़ी पर भी या फिर चेहरे पर दिखने लगता है, जिसको कि आप समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों, इसको सन स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब बाहर आप काम करते हैं तेज धूप लगती है, उसकी वजह से भी होता है इसको, कि साथियों सोलर लॉन्जिट्यूड भी कहा जाता है। और ये त्वचा पर धब्बे होते हैं, त्वचा पर छोटे छोटे भी धब्बे होते हैं, जैसे 1/4 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक, यानी 1/4 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक ये लंबे और चौड़े हो सकते हैं, और ये बहुत से लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। साथियों, जिगर के पीले दाग जो होते हैं, ये लीवर स्पॉट्स, जब किसी कारण से जिगर में कोई बीमारी हो जाती है तो शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें कभी कभी पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जो विभिन्न लक्षणों के रूप में शरीर में प्रकट होते हैं, जैसे कि नाक, जैसे यहाँ पे नाक के आसपास यहाँ पे स्पॉट्स बनेंगे, यहाँ पे स्पॉट्स बनेंगे, और ये चेहरे पे यहाँ पे स्पॉट्स बनने जाएंगे, छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसको कि आप समझ नहीं पाते हैं। और ये पीले रंग के, हल्के पीले रंग, कभी कभी गाढ़े पीले रंग के भी होते हैं। तो साथियों, अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहली मेडिसिन आती है इसमें सीपिया। सीपिया मेडिसिन जो होती है, जिगर के पीले दाग से पीड़ित रोगी के नाक के ऊपर तथा दोनों गालों के ऊपर के भाग में पीले दाग दिखाई दें, तो इसको ठीक करने के लिए सीपिया औषधि की 30 शक्ति का साथियों उपयोग करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपका जो ये लीवर स्पॉट्स है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन आती है साथियों, लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होती है, जिगर के पीले दाग से पीड़ित रोगी के पेट पर भूरे रंग के दाग दिखाई दें, तो रोग को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना अधिक लाभकारी होता है। इस प्रकार के लक्षण होने पर रोग को ठीक करने के लिए नक्स वोमिका औषधि की 30 शक्ति या सल्फर औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना भी फायदेमंद होता है, जिसको कि आप सिम्टम के आधार पे यूज कर सकते हैं। साथियों, तीसरी मेडिसिन आती है फास्फोरस। फास्फोरस मेडिसिन जो होती है, इस रोग से पीड़ित रोगी के पेट पर बड़े बड़े पीले दाग दिखाई देते हैं, यानी कि आपके बेली, यानी कहें तो स्टमक के ऊपर जो है, यानी पेट पर आपके बड़े बड़े दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, पीले पीले, काले काले भी होते हैं, ऐसे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके उपचार करने के लिए फास्फोरस औषधि की 30 शक्ति का प्रयोग करना बहुत ही उचित होता है। साथियों, इसके बाद आती है लास्ट में फास्फोरस के बाद वैसिलिनम। साथियों, जो वैसिलिनम मेडिसिन होती है, ये आपको यूज करना चाहिए अगर आपको लीवर स्पॉट्स हो गया है। तो जिगर के पीले दाग को ठीक करने के लिए वैसिलिनम औषधि की 200 शक्ति का सप्ताह में एक बार लेने से अधिक लाभ होता है। इसको आपको सिर्फ सप्ताह में 200 पावर की सिर्फ एक बार 2 बूंद लेना होगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका लीवर स्पॉट्स ठीक हो जाएगा। तो साथियों, जाते जाते मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे, और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। तो साथियों, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।